बढ़िया सामान डलवाया, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया ने देखिए कैबिनेट भी लिया ना, RGB कैबिनेट लिया है, मात्र 12,000 रुपये में पूरा सिस्टम रेडी करके दिया है मैंने। और अब आपको दिखाना चाहूँगा, HP का लैपटॉप है, 840G4 i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है, i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है, 8GB रैम है, 256GB SSD, विद टच स्क्रीन के साथ है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है। इसकी कॉस्ट मात्र 22,000 रुपये में लैपटॉप मिलने वाला है, टच स्क्रीन के साथ, i5 8th जनरेशन, 8GB 256GB के साथ। अभी मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है, मेरे पास अभी 20 लैपटॉप आए हुए हैं, ठीक है भैया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है आप प्लीज मेरे से कॉन्टैक्ट करें और ले लें, क्योंकि बाद में मेरे को नहीं पता कि ये वाला स्टॉक आएगा नहीं आएगा, फिर हर बार नया स्टॉक आता है, दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशन से, नरसी भाई हमारे साथ हैं। और सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भैया। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं अब लेके आए धमाकेदार ऑफर, और मैं धमाकेदार ऑफर के साथ लेके आए धमाकेदार गेमिंग PC बिल्ड एंड लैपटॉप के साथ गेमिंग PC बिल्ड करने वाले हैं हम, और आपको मैं आपको कम से कम प्राइस करने वाले हैं। आपको स्टार्टिंग जो प्राइस होगा वो मात्र 10,500 रुपए में आपको गेमिंग PC बिल्ड मिले, मात्र 10,500 रुपए में आपको सिस्टम पूरा रेडी करके देंगे, आपको ओके कोर i5 का सिस्टम करके देंगे। तो सर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप एक बार एड्रेस बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। मेरा एड्रेस है 103F सिद्धार्था बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर नेहरू प्लेस, एंड एक और एड्रेस है मेरा 103D सिद्धार्था बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर, एंड ओनली एक दुकान का गैप है, मेरा फर्स्ट दुकान पड़ेगी 103D एंड बीच में गैप देके दूसरी दुकान है 103F ओके सिद्धार्था बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर नेहरू प्लेस, ठीक है सर। हाँ तो सर एक बार दिखाना स्टार्ट कीजिए आप। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप स्टार्टिंग करिए, देखिए सर मेरे पास गेमिंग सारे गेमिंग सिस्टम होने वाले हैं अभी इस टाइम पे हमारे पास, ठीक है। और गेमिंग में अभी स्टार्ट करेंगे मैं 3200G से, ओके 3200G से AMD 3200G से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। गेमिंग कैबिनेट मिलेगा, राइजन 3200G मिलेगा, A320 बोर्ड मिलेगा एंट का, एंड 500GB SSD के साथ एंड 8GB रैम के साथ मात्र ये सिस्टम पूरा रेडी हो जाएगा आपका। 18,500 रुपए में सिस्टम रेडी होने वाला है, गेमिंग ओनली गेमिंग ओके 18,500 में। सर इसमें स्क्रीन इंक्लूड है कि नहीं है? ये GST इंक्लूड मिलेगा आपको ओके और स्क्रीन? इसमें स्क्रीन इंक्लूड नहीं है, स्क्रीन अपनी पसंद से जैसा स्क्रीन लेना चाहते हैं, कुछ लोग 19 इंच पसंद करते हैं, कुछ 22 इंच पसंद करते हैं, 27 इंच, अपने अपने ब्रांड, जो आपको ब्रांड स्क्रीन में चाहिए वो स्क्रीन अपने चॉइस से ले सकते हैं, ठीक है okay. इसमें जो कीबोर्ड आपको इंक्लूड मिलेगा, गेमिंग कीबोर्ड मिलेगा, ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड मिलेगा, एंड मैं आपको अब इसके बाद आप इसमें 5600G में जा सकते हैं, ठीक है 5700X में जा सकते हैं, 5600X जा सकते हैं, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, हर तरह का हमारे पास सिस्टम रेडी होने वाला है ओके गुड। जो आपको डिमांड है वो मेरे से डिमांड करिए, मैं आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप उस पर मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं और उस पर मैसेज डाल के पूछ सकते हैं कि भैया मेरे को ये सिस्टम, आप अपने अनुसार मतलब जो सिस्टम आपको चाहिए ओके जैसे आपको इनबिल्ड मतलब बिल्ड कराना है, आपको जैसा सिस्टम बिल्ड कराना है वैसे आप अपने हिसाब से पूरे तरीके से आप अपने हिसाब से बिल्ड कराइए और बेस्ट से बेस्ट प्राइस करके दूंगा ओके जितना बेस्ट होगा उतना बेस्ट करके दूंगा, पूरी मार्केट ट्राई कर लीजिए उसके बाद मेरे पास आ जाइए, मैं आपको PC आपको बिल्ड करा के देंगे ठीक है ठीक है। और आपको आप कैबिनेट देख सकते हैं, कैबिनेट हर तरह का कैबिनेट मिलेगा, मैं आपको गेमिंग में सारे कैबिनेट मिलेंगे, हर तरह के कैबिनेट मिलेंगे, मदरबोर्ड जैसा चाहिए मदरबोर्ड वैसा मिलेगा ओके ठीक है। जैसे कैबिनेट है सर, इसकी खाली कैबिनेट कितने की मिलती होगी वैसे, अगर अलग से वो लेना चाहे तो? अलग से कैबिनेट स्टार्टिंग जो कैबिनेट होने वाली है वो मात्र 1590 रुपए से स्टार्टिंग होने वाली है, मात्र 1590 रुपए से स्टार्टिंग होने वाली है कैबिनेट। और गेमिंग कैबिनेट अपने PC को अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए अवेलेबल है? बिल्कुल सारी कैबिनेट है, सारी आप जैसे आप कैबिनेट पसंद करना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने आपको दिखाया एंटी स्पोर्ट के हैं, सारे एंटी स्पोर्ट के इंटेक्स के हैं, एंड आप सारे गेमिंग में ही है, आप देख लीजिए, आप दिखा दीजिए भैया उनको, बिल्कुल सारे गेमिंग में है, तो कैबिनेट के साथ रैम भी अपडेट हो जाएगी, तो रैम करानी है, SSD करानी इसमें, है इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जिस किसी भाई को रैम अपडेट करानी है, SSD अपडेट करानी है, अब जैसे कि अब कुछ लोग आते हैं Core2 सिस्टम लेके कि भैया इसको अपडेट कराना है, अब उनका बजट है 15,000 से 20,000 रुपए का, तो उसके लिए आप वो सिस्टम मैंने आपको बताया 3200G करा सकते हैं ओके ठीक है,
एंड इसमें भी इंटेल में जाना चाहते हैं तो इंटेल में भी आप जा सकते हैं, i5 में जा सकते हैं, i3 में जा सकते हैं, हर तरह के मतलब सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है। मतलब इंटेल में जाना है इंटेल में आप करा सकते हैं, ओके, और राइजन में जाते हैं राइजन में आप करा सकते हैं, राइजन इंटेल में आप 6th generation से लेके मिनिमम 6th generation तो बनवाना चाहिए हर किसी को, बिल्कुल सही बात। उससे नीचे जाते हैं तो मतलब विंडो अपडेट नहीं होती है, बिल्कुल मिनिमम कम से कम 6th generation जाना चाहिए। 6th generation से ऊपर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो आपको सिस्टम चाहिए वो आपको रेडी मिलेगा, जो रेडी करवा वो रेडी करवा। अब उसके बाद आपकी बात रही कि भैया इसमें क्या क्या लगवाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ ब्रांडेड ही लगवानी चाहिए, ठीक है। जैसे आप राइजन 3200 भी बचाते हैं तो ओनली ब्रांडेड में ही जाएं, सैमसंग में 3200 जी में सैमसंग में जा सकते हैं, एक्सपी जी में जा सकते हैं, रैम एक्सपी जी जा सकते हैं, बढ़िया चीज़ है एंड ब्रांडेड चीज़ है। कुर्सियल इसमें कॉर्सियर में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि SSD कौन सी लगवाएं, अब इसमें कंसिस्टेंट की भी लगवा सकते हैं आप SSD, ठीक है। कंसिस्टेंट की SSD है, इस SSD की वारंटी कितनी है कंसिस्टेंट की, जो है कंसिस्टेंट की 5 ईयर वारंटी, हैंड टू हैंड 5 ईयर वारंटी एंड रिप्लेसमेंट इतनी फास्ट है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी नहीं है ना, सर्विस सेंटर लेके जाओ भैया इसमें प्रॉब्लम है, साइड करता है दूसरी आपको सील्ड पैक आपको SSD मिलती है, ठीक है। इसमें रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छी चीज़ है कि रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे से मिलती है। और रैम की वारंटी कितनी होती है, रैम जो है रैम की 3 ईयर वारंटी आती है, 5 ईयर वारंटी आती है, 10 ईयर वारंटी, हर तरह की वारंटी है। अब मेरे पास है XPG है, कॉर्सियर है, T-Force की है, इसमें 10 साल वारंटी है, ओके 10 ईयर 10 ईयर वारंटी है। अब बात SSD की, अब ये कुर्सियल की SSD है P3, ओके इससे भी आप लगवा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्पीड वगैरह बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसमें आप करा सकते हैं। और अब जो बात आती है कि भैया वो मेरे को 25 से 30 नहीं, अब उससे ऊपर जाना है, 30 प्लस जाना है, तो आप उसमें ले सकते हैं 5600G, ओके 5600G ले सकते हैं, वो आपको 30 प्लस जाना पड़ेगा इसके लिए, ओके 30 प्लस जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जैसे कि MSI बोर्ड लगवा सकते हैं इसमें, गीगाबाइट का बोर्ड लगवा सकते हैं, एसरॉक का बोर्ड लगवा सकते हैं, जो आपको पसंद, जो आपका दिल करे, सबकी 3 ईयर वारंटी है, 3 ईयर वारंटी मदरबोर्ड की है, 3 ईयर वारंटी आपकी CPU की प्रोसेसर की है, 5 ईयर SSD की है, 5 ईयर रैम की वारंटी है, ठीक है। पावर सप्लाई की 3 ईयर की आती है, 2 ईयर आती है, हर तरह के आप अपने पसंद से, जैसे कि आप ये पावर सप्लाई है 700 वॉट की, इसमें 2 एंटी स्पॉट की है, 2 ईयर वारंटी आती है एंड आप इसमें सर्कल की देख सकते हैं, सर्कल की है, इन सारे मतलब 3 साल 5 साल वारंटी आती है, 3 साल 2 साल 5 साल पूरे सिस्टम की लगभग 3 साल वारंटी है, ओके वारंटी है पूरे सिस्टम की, 3 साल वारंटी लगभग सबकी है, बल्कि किसी किसी पार्ट की 3 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 10 साल भी है, तो अपने चॉइस से अपने हिसाब से आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। और अब जाना चाहते हैं कि मतलब और उससे ऊपर जाना चाहते हैं और हैवी गेमिंग करना है तो उसके लिए 5700X ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है 5700X ले सकते हैं, राइजन 7 है ये, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके लिए आपको लगभग 50 प्लस जाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ओवरक्लॉकिंग और मतलब सारी चीज़ें हैवी हो जाएंगे फिर गेमिंग के लिए, हाँ जी गेमिंग के लिए बेस्ट रहने वाला है, हाँ बिल्कुल। और इसके साथ आप कीबोर्ड आप ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, मदर आप इसमें ग्राफिक कार्ड आपको मैं बताना चाहूँगा, आप ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हैं, इसका आसूस का है RX 550 इनमें लगवा सकते हैं, 5600GB में लगवा सकते हैं, 57X में भी लगवा सकते हैं। और इसमें जो इंटेल के बता रहे थे अभी, इंटेल का कोर i5 10th generation में, 11th generation में, 12th generation, 13th generation सारे में लगवा सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें और भी हमारे पास, देखिए अब ये MSI का मदर ग्राफिक कार्ड है, सॉरी MSI का ग्राफिक कार्ड है, AMD Radeon RX 6650 XT, ठीक है। ये इसका 8GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है MSI का, इसे भी आप लगवा सकते हैं। और इसके लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे डिस्क्रिप्शन में देंगे, ठीक है, एड्रेस मैंने आपको बता ही रखा है, और आके आप बेस्ट से बेस्ट प्राइस करके दूँ, बेस्ट से बेस्ट प्राइस होने वाला है, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करें मेरे को और व्हाट्सअप करें, ठीक है, मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको सारा कुछ डिटेल में पूरी डिटेल दूंगा एंड और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस एंड
बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस के नाम से मेरा चैनल है एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस के नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप फॉलो करके आएँ और आपको पूरी डिटेल उस पर भी मिलेगी और इस चैनल पे भी मिलेगी, बिजनेस फंडा पे भी मिलने वाली है पूरी डिटेल आपको, पूरी चैनल पूरा हर चीज़ की पूरी डिटेल मिलने वाली है। मेरे से कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करें, उस पर भी आपको पूरी डिटेल दूंगा, पूरा तरीके से बताऊंगा। कई बार ऐसे वीडियो में सारी चीज़ नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। अब आ जाती है और चीज़ें, मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि अब किस कहते हैं भैया मेरे को सैमसंग में SSD लगवाना चाहते हैं, सैमसंग में SSD लगवा सकते हैं, सैमसंग भी हमारे पास SSD है सारी, मतलब जो आपको SSD चाहिए, जिस कंपनी की चाहिए उस कंपनी की SSD होने वाली है मेरे पास, हर तरह की SSD होने वाली है, रैम होने वाली है, और मैं आपको बताऊंगा और भी आपको SSD दिखाऊंगा अभी आपको। XPG की मेरे पास रैम SSD है, XP गेमिंग S70 ब्लेड 1TB SSD है, इसको भी आप लगवा सकते हैं ब्रांडेड में, आपको ज़्यादा ही अच्छे उसमें जाना है तो, ठीक है। अब XPG गेमिंग S50 लाइट ये भी लगवा सकते हैं। अब आप ये 1TB के आपको दिखा रहा था और XPG S70 ये भी आप लगवा सकते हैं। XPG SX6000 प्रो इसको भी लगवा सकते हैं। और आप आती है HP ब्रांड में, NVMe सारी दिखा रहा हूँ क्योंकि सिस्टम में M.2 नहीं चलती हैं, ओनली NVMe ही चलती हैं, ठीक है। तो आप NVMe आप लगवा सकते हैं जिस ब्रांड की आपको SSD चाहिए, जो ब्रांड चाहिए, जो आपका दिल करे बस उस ब्रांड का मेरे को बताइए कि भैया ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड मिलने वाला है आपको, ठीक है। सारे हर तरह से आपके पास से पूरी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर और बेस्ट से बेस्ट रेट देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप भैया हमारी वीडियो देख के आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ, भैया ने सिस्टम लिया है i5 का सिस्टम लिया है, ठीक है। इसमें भैया ने 8GB रैम ली है, 256GB SSD ली है और 19 इंच की LED ली है भैया ने, ठीक है। ये कीबोर्ड माउस लिया है जेब्रॉन्स ब्रांड का, मात्र भैया ने 12,000 रुपये में सिस्टम रेडी करवाया है, मात्र 12,000 में सिस्टम रेडी कराया, GST पेड के साथ कराया है। और भैया आए हुए हैं फरीदाबाद से, तो भैया से मैं जानना चाहूँगा कि भैया आपको जो सिस्टम दिया है वो सारे जेन्युइन दिया है ना भैया जी, आप उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए भैया। नहीं, बढ़िया सामान डलवाया, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया ने देखिए कैबिनेट भी लिया है ना, RGB कैबिनेट लिया है, मात्र 12,000 रुपये में पूरा सिस्टम रेडी करके दिया है मैंने, i5 का सिस्टम दिया है, मात्र 12,000 रुपये में सिस्टम रेडी करके दिया है। और लाइटिंग में भैया ने पसंद किया है, ठीक है। और 19 इंच की LED है, पूरे सिस्टम की लगभग हर पार्ट की वारंटी है, 2 साल मदरबोर्ड की है, 3 साल रैम की है, 5 साल SSD की है, स्क्रीन की 2 साल की वारंटी है, कीबोर्ड माउस की 1 साल वारंटी आती है, तो टोटल पार्ट वारंटी के साथ हैं, GST बिल के साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस को, और आप धमाकेदार ऑफर के साथ आप सिस्टम PC बिल्ड करा के ले जाएं। तो नरसी भाई, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा लैपटॉप दिखा दीजिए एक बार। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अब हमारे पास आए हैं नया स्टॉक और नए लैपटॉप आए हैं, ओपन बॉक्स वाले हैं सारे, मैंने अभी बॉक्स ओपन किए हुए हैं, ओके। ब्रांड न्यू लैपटॉप है, ब्रांड न्यू लैपटॉप होने वाले हैं, मतलब ओनली बस ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में लैपटॉप होने वाले हैं सारे, ठीक है। ओपन बॉक्स वाले लैपटॉप थे हमारे पास, देख लीजिए, राइजन में मिलेंगे हमारे पास, इंटेल में मिलेंगे, सारे लैपटॉप मिलने वाले हैं आपको, बता दो, ओके, ठीक है। आपको अब आपको मैं बताना चाहूँगा, Ryzen 3 है ये, Ryzen 3 में होने वाला लैपटॉप, 15 इंच में लैपटॉप है, लेनोवो का लैपटॉप है, आप कंडीशन वाइज देख लीजिए, एकदम ब्रांड न्यू लैपटॉप, एक हल्का सा भी स्क्रैच नहीं मिलने वाला है, ओके, ठीक है। अब कंडीशन एकदम ब्रांड न्यू है, मतलब ब्रांड न्यू, ठीक है। तो आप इसके लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं अपना नंबर दूंगा, ठीक है। वैसे अपने यहाँ पे लैपटॉप स्टार्टिंग कितने से हो जाते हैं? मेरे पास लैपटॉप स्टार्टिंग है मात्र 15,000 रुपये से, 15 से स्टार्ट हो जाते हैं, 15,000 रुपये से लैपटॉप स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी मैंने जो दिखा रहा हूँ वो न्यू कंडीशन में लैपटॉप, प्रीमियम रेंज दिखा रहे हैं, प्रीमियम लैपटॉप दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत से भाई कह रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा अपडेटेड लैपटॉप दिखाओ, तो मैं 360 में लैपटॉप है, Ryzen 5 में ही होने वाला लैपटॉप है, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास मॉडल वैसे सस्ते, मतलब 15,000 रुपये से स्टार्टिंग, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं प्रीमियम मॉडल दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। Ryzen 3 में है ये, मैंने आपको बताया,
ठीक है, इसकी जो कॉस्ट होने वाली है मात्र 32,000 रुपये कॉस्ट होने वाली है। ओके, 32,000 मात्र इसकी कॉस्ट जो होने वाली है मात्र 32,000 रुपये में ब्रांड न्यू लैपटॉप मिलने वाला है आपको। ठीक है, और आपको ये अब आ रहा है राइजन 5 है। ठीक है, 4000 सीरीज है, आप 360 रैम 360 होने वाला लैपटॉप एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन। ओके गुड। ठीक है, इसकी कॉस्ट मात्र 35,000 रुपये इसकी मात्र कॉस्ट 35,000 रुपये रखने वाला हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं अभी मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है, मेरे पास अभी 20 लैपटॉप आए हुए हैं। ठीक है भैया, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है आप प्लीज मेरे से कॉन्टैक्ट करें और ले लें, क्योंकि बाद में मेरे को नहीं पता कि ये वाला स्टॉक आएगा नहीं आएगा। फिर हर बार नया स्टॉक आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो हमारी पुरानी देख के भाई हमारे फ़ोन करते हैं कि भैया मैंने वो लैपटॉप देखा था, वो लैपटॉप है कि नहीं है। पर अभी इस टाइम है हमारे पास, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में फिर नया स्टॉक आएगा, उसके लिए फिर नई वीडियो डालेंगे। ठीक है, और अब आ रहा है इंटेल में कोर i3 है, 12th जनरेशन का लैपटॉप होने वाला है। ओके, ठीक है, i3 11 जनरेशन में 12 जनरेशन तक मेरे पास लिनोवो में आए हुए हैं मेरे पास अभी। i5 10 जनरेशन, i5 11, i5 12 जनरेशन, Ryzen 3 Ryzen 5, ये सब मिल जाएंगे, ये सारे मिलने वाले लैपटॉप हैं एकदम, देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाना चाहूँगा i5 का 10 जनरेशन का लैपटॉप होने वाला लैपटॉप है। अब देख लीजिए, सारे ओपन बॉक्स लैपटॉप हैं, ये एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू। ठीक है, i5 का लैपटॉप मात्र 35,000 रुपये में i5 10 जनरेशन का लैपटॉप होने वाला है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। 8GB रैम होगी, 256GB SSD होगी, 1TB हार्ड डिस्क के साथ होने वाला है। i5 10 8GB, 256GB, 1TB। ठीक है, ये चीज़ें होने वाली हैं इसके साथ, मात्र 35,000 रुपये में लैपटॉप होने वाला है। मात्र 35,000 रुपये में लैपटॉप होने वाला है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरे पास लिनोवो का ही लैपटॉप है, आप देख सकते हैं। ओके, i5 10th जनरेशन है विद एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के साथ होने वाला है लैपटॉप। ठीक है, इसमें भी i5 10 8GB, 256GB, 1TB, और किस जो भाई 1TB लेना नहीं चाह रहे हैं उसमें 512 के साथ भी है हमारे पास, 8GB 512GB के साथ हैं। ठीक है, i5 10th जनरेशन में वो भी आपको स्टॉक अभी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास आप देख सकते हैं अभी कई सारे लैपटॉप भी मैं नहीं ओपन कर सकता हूँ, बहुत सारे लैपटॉप हैं। ठीक है, जो बॉक्स के साथ हैं, टोटल लैपटॉप बॉक्स के साथ हैं ये वाले। ठीक है, और अच्छे रेट में लैपटॉप मिलने वाले हैं, जो लैपटॉप आपका 65,000-70,000 रुपये का लैपटॉप है वो मात्र 35,000 रुपये में लैपटॉप होने वाला है। ठीक है, अब आपको मैं और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा, वो आप देख लीजिए। i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है, ये i5 8th जनरेशन का लैपटॉप होने वाला है, 360 लैपटॉप है, 16GB रैम में 512GB SSD के साथ होने वाला लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है 7390 इसकी कॉस्ट मात्र 28,000 रुपये की होने वाली है। ओके, मात्र कॉस्ट 28,000 रुपये की। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा HP में लैपटॉप आया है, 840G2 HP का लैपटॉप है, 840G2 आया है, कोर i5 8GB 256GB के साथ होने वाला है। जिस भाई को इसमें सस्ते में चाहिए ना, 4GB 512 हार्ड डिस्क के साथ भी आए हुए हैं लैपटॉप हैं इसमें, सेम लैपटॉप में 8GB 256GB के साथ होने वाला है, 4GB 500GB के साथ होने वाला है, 4GB 500GB के साथ लेने वाले मात्र 15,000 रुपये में, और 8GB 256GB के साथ लेने वाले हैं वो 16,000 रुपये में लैपटॉप आप इसे परचेज कर सकते हैं। एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन होने वाला लैपटॉप है, चार्जर वगैरह 100% ओरिजिनल मिलने वाला है। ठीक है, और वारंटी भी आपको प्रॉपर एक महीने की मिलने वाली है आपको। ठीक है, एक महीने वारंटी भी मिलेगी आपको। और भी आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें 15,000-16,000 दोनों रेंज हैं इसमें, मैंने आपको दोनों बताया है इसके बारे में। और अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा डेल का लैपटॉप है ये आपका, 7250 Core i7 लैपटॉप है, ये Core i7 का लैपटॉप है, 8GB 256GB के साथ होने वाला लैपटॉप है। इसकी कॉस्ट मात्र 16,500 रुपये में i7 लैपटॉप होने वाला है, i7 लैपटॉप 16,500 रुपये में होने वाला है सर। ठीक है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब ये लैपटॉप होने वाला है, मैं आपको दिखाऊँगा डेल का लैपटॉप है, Core i5 7th जनरेशन का लैपटॉप है, 8GB रैम है, 256GB SSD है, मात्र कॉस्ट इसकी 16,500 इसकी भी होने वाली है।
i5 7th generation 8GB 256GB के साथ मात्र 16,500 रुपये में, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। वैसे इसमें ओरिजिनल चार्जर रहेगा, ठीक है, बैग भी मिलेगा आपको, एक माउस भी देंगे, और इसकी वारंटी 1 महीने प्रॉपर वारंटी रहेगी इसकी, ठीक है। और मैं आपको और भी सारे बहुत सारे मॉडल मेरे पास आए हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आपको दिखाना चाहूँगा लेनोवो का है X280 कोर i5 8th generation लैपटॉप है, 8GB रैम है, 256GB SSD, विद टच स्क्रीन के साथ लैपटॉप है, विद टच स्क्रीन के साथ लैपटॉप है, मात्र इसकी कॉस्ट है 23,000 रुपये की। 8th generation का लैपटॉप है, एप्पल को फेल कर रहा है, एप्पल लाइट वेट है, स्लिम लैपटॉप है, कैमरा FHD कैमरा है, Full HD कैमरा है, Full HD स्क्रीन के साथ है, फिंगरप्रिंट है, सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन लैपटॉप होने वाला, मात्र 23,000 रुपये में लैपटॉप है। टाइप सी चार्जर के साथ है, टाइप सी इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, HDMI USB है, और एकदम बहुत अच्छा लाइट वेट लैपटॉप होने वाला है, ठीक है। अब आपको मैं और भी और मॉडल दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा लेटेस्ट में दिखाना चाहूँगा। ये लैपटॉप है डेल का 7310, डेल लैटिट्यूड 7310 लैपटॉप होने वाला है, i5 10th generation का लैपटॉप है इसमें, और इसमें रैम जो होने वाली है वो 16GB रैम है, 512GB SSD के साथ होने वाला है, और इसकी कॉस्ट मात्र जो कॉस्ट है वो 35,000 रुपये में, i5 10th generation 16GB 512GB के साथ। और अब आपको दिखाना चाहूँगा HP का लैपटॉप है 840G4 i5 8th generation का लैपटॉप है, i5 8th generation का लैपटॉप है, 8GB रैम है, 256GB SSD, विद टच स्क्रीन के साथ है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है, इसकी कॉस्ट मात्र 22,000 रुपये में लैपटॉप मिलने वाला है, टच स्क्रीन के साथ, i5 8th generation 8GB 256GB के साथ। और इसमें एक ऑप्शन और है, इसमें एक हार्ड डिस्क और लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगाना चाहें SSD लगाना चाहें, दो ऑप्शन होते हैं इसमें, एक NVMe का, एक SATA हार्ड ड्राइव का, तो साटा में आप SSD भी लगा सकते हैं, HDD भी लगा सकते हैं, जो आपको दिल करता है वो लगा सकते हैं, डुअल ऑप्शन है इसमें। एक और ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा, HP का ही लैपटॉप है 440G4 HP का लैपटॉप 440G4 है, एकदम कंडीशन वाइज बढ़िया है, अच्छी कंडीशन है, i5 का 7th generation का लैपटॉप होने वाला है, और इसकी इसमें जो होने वाला है, मैं आपको i5 7th generation 8GB 256GB, और इसकी जो कॉस्ट होने वाली है मात्र 17,000 रुपये में लैपटॉप आप देख सकते हैं, 17,000 रुपये में आप लैपटॉप ले सकते हैं, चार्जर ओरिजिनल रहेगा, एक बैग मिलेगा, क्वालिटी वाइज देख सकते हैं अच्छी कंडीशन, ब्रांड न्यू कंडीशन में है, ठीक है, वारंटी भी प्रॉपर 1 महीने की रहेगी आपकी। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ, अभी लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक आगे से बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ आपको मैं बताना चाहूँ, मैं वीडियो बहुत समय से नहीं डाल रहा था, वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था कि क्योंकि वीडियो डालने के बाद भैया ये लैपटॉप है तो वो लैपटॉप कई बार नहीं मिलता था, क्योंकि अभी स्टॉक में है, हो सकता है 4 दिन बाद ये लैपटॉप ना मिले, तो उसके लिए रियली सॉरी। अभी तो है हमारे पास, ये है आपका 830G6 लैपटॉप है, 360 लैपटॉप होने वाला है, i7 का लैपटॉप है ये, 16GB रैम है, 256GB SSD होने वाली है, मात्र कॉस्ट इसकी 33,000 रुपये में लैपटॉप मिलने वाला है, 33,000 रुपये में लैपटॉप मिलने वाला है, 360 लैपटॉप होने वाला है, i7 का लैपटॉप है, 16GB रैम है, 256GB SSD है, इसमें SSD आप बढ़ा सकते हैं जितना करना चाहो, 512/1TB जितना करना चाहो उतनी हो सकती है। एक लैपटॉप के बारे में मैं और बताना चाहूँगा, कोर i7 का लैपटॉप है, 7th generation का लैपटॉप है ये भी, कोर i7 7th generation 8GB 256GB का है, ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम कंडीशन वाइज, ये भी 360 है, ये भी 360 का लैपटॉप है, ओके, ठीक है, इसकी भी कॉस्ट मात्र 28,000 रुपये को, मात्र i7 लैपटॉप 28,000 रुपये में लैपटॉप मिलने वाला है, क्वान्टिटी ओनली 1 है, एक ही पीस अभी, ठीक है।